ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा शरीर छोड़ते ही भटकती है या गर्भ में प्रवेश करती है? आत्मा, ये हम सभी जानते हैं, अजर, अमर, अविनाशी है और आत्मा परम धाम से इस सृष्टि चक्र में आती है अपना पार्ट बजाने के लिए। आत्मा जब इस कर्म क्षेत्र पर आती है, अब उसे कर्म तो करना ही करना है। कर्म किए बिना आत्मा रह नहीं सकती और कर्म करने के लिए आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। बिना शरीर के आत्मा कोई भी पार्ट बजा नहीं सकती। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझना है। अब आत्मा परमधाम से आई, पहली बात जो नियम है वो सीधा सा है कि आत्मा ने एक शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ना है और दूसरा शरीर रूपी वस्त्र को धारण करना है। इसी को जन्म पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु, जन्म लगातार ये चलता ही रहता है। अब कुछ आत्माएं हमें दिखाई देती हैं कि ये रोजाना किसी दूसरे के शरीर का आधार लेकर पार्ट बजाती है या किसी को रास्ते में कहीं भी कोई आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करती है या कोई ऐसा एक्ट करती है जिससे हमें समझ में आता है कि ये कोई दूसरी आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, जिसे अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से कहा जाता है कि ये भूत है, पिशाच है, शैतान है, ठीक है, या कुछ भी अपनी अपनी भाषा में नाम उनके दिए जाते हैं, डाकनी है या जो भी है, डायन है, जैसे जैसे आते हैं उनके। अब उसे पिशाच कहें, प्रेत कहें, भूत कहें, अब वो आत्मा वहां कैसे आई, उस आत्मा को शरीर है तो वो ऐसे कैसे मिली, इसलिए समझा जाता है कि वो भटक रही है। एक्चुअल में आत्मा कर्म क्षेत्र में आई है कर्म करने के लिए, उसे वहां जाना है जहां उसका रोल है, जहां उसका पार्ट है। उसे कहीं भी पहुंचने के लिए सेकंड भी एक बहुत बड़ा टाइम है, इससे पहले वो वहां उपस्थित हो सकते, जहां चाहे। उसका अपना शरीर है और अपने शरीर को न्यूट्रल में छोड़कर चली जाती है। न्यूट्रल में छोड़ना अर्थात गाड़ी को सुला देना, शरीर को सुला देना, शरीर सो गया और आत्मा चली गई कहीं भी पार्ट बजाने के लिए। अब जितनी देर तक सोएगा उतनी देर तक आत्मा के पास समय है कि वो कहीं भी अपना पार्ट बजा के आ सके। और यदि कोई उसके सोए हुए शरीर को छेड़ेगा तो वो अपने पार्ट को छोड़ करके भी बीच में आ सकती है, बीच में आ सकती है, क्योंकि उसका रोल यहां है तो वहां अपना रोल खत्म कर देगी और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आत्मा शरीर में प्रवेश करेगी। उसका शरीर होता है परंतु पार्ट बजाने के लिए उसने कहीं और जाकर किसी और आत्मा के साथ किसी जन्म का कोई हिसाब किताब
चाहे वो सुख का हो चाहे वो दुख का हो, उधर निभाना है, पूरा होगा। जैसे वहां का पाठ पूरा हुआ तो उसने अपने इस शरीर में आना है, तो वो अपने शरीर में आएगी और लगेगा कि हमने उसे उठाया और वो उठ गए। वास्तव में नींद से सोए हुए व्यक्ति को तब तक नहीं उठाना चाहिए जब तक आग लगने जैसी इमरजेंसी ना आ जाए, क्योंकि बाकी सारे पार्ट बंद होते हैं, फंक्शंस बंद होते हैं, और आत्मा जब अचानक एंट्री करती है तो वो सारे फंक्शन ऑपरेट नहीं कर पाती, तो जो ऑपरेट नहीं हुआ तो वो डैमेज होने का डर रहता है। आप भटकने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आत्मा वास्तव में अपना शरीर है, परंतु पार्ट बजाने के लिए उसने कहीं जाना है। अब कुछ ऐसे केस भी मिले, कुछ ऐसे केस भी हैं जिसमें हमारे सामने आता है कि ब्रह्मा बाबा है, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। अब छोड़ने के बाद उन्होंने दूसरा शरीर नहीं लिया, क्योंकि उनका पार्ट सूक्ष्म शरीर के माध्यम से इतने समय तक पार्ट कहीं और बजाने का है, तो वो अपना पार्ट सूक्ष्म शरीर का रख करके भी अपना पार्ट बजा सकती है। ये डिपेंड करता है कि उस आत्मा के पार्ट में ऐसा लिखा हुआ है तो उसने वैसा ही करना है। उसने जन्म भी ले सकती है, जन्म लेकर के भी पाठ बजाने आ सकती है, और यदि उसके पाठ के अंदर है तुमने एक दिन दो दिन या दस दिन या महीना या छह महीने या साल दूसरा शरीर नहीं लेना, केवल अन्य पराय शरीरों पर अपना पार्ट प्ले करना, तो वो दूसरे शरीर के द्वारा अपना पार्ट बजाती रहती हैं। जब वहां से पार्ट पूरा होगा तो फिर वो नए शरीर की रचना के लिए गर्भ में प्रवेश करेगी, परंतु प्रवेश तो उसको करना ही करना। कुछ समय के लिए कोई आत्मा विशेष उसका पार्ट है, किसी कारण से उसने जन्म नहीं लिया या किसी कारण से उसने अपने पार्ट को स्टॉप किया, परंतु वो भी सब कुछ जो भी होगा वो उसके पार्ट में लिखा हुआ होगा, उसके पार्ट में लिखा हुआ होगा, उसी प्रकार से वे उसे पोस्ट करें। तो समझ में आया होगा कि आत्मा इस कर्म क्षेत्र में आकर कर्म तो करेगी करेगी, कर्म के बिना तो रह नहीं सकती, परंतु पार्ट बजाने के लिए दोनों तरीके से पार्ट बजा सकती है। सारा मेन है उस आत्मा का रोल, उस आत्मा में जो रिकॉर्ड है वो जो रिकॉर्ड है पार्ट उसी प्रकार से ही बचेगा, क्योंकि हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है जो कभी भी कट पिट घिस एडिट नहीं हो सकता, रोल कभी भी एडिट नहीं हो सकता। बाकी सब कुछ एडिट हो सकता है, पर तो रोल जो रीड लिखा गया है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, एडिट नहीं हो सकता, डिलीट नहीं हो सकता। ओम शांति। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।